गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, टाइम चैप्टर 7। कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम इज सेल्फ एविडेंट एंड आर कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स। अ डे कंसिस्ट ऑफ आवर्स एंड अ ईयर ऑफ डेज। इट डिफाइंस आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टाइम हमें क्या बताता है कि कितने घंटे हो चुके हैं, है ना? और जैसे हमें पता है एक घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 60। ओके, और एक मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 60। ओके, और एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24। ठीक है, तभी एक दिन पूरा होता है ना? और ईयर में डेज कितने होते हैं, 365 डेज। और मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, और वन वीक में डेज कितने होते हैं, 7। तो इस हिसाब से बच्चे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि कितना दिन हो गए हैं, है ना, कितने घंटे हो गए हैं। ठीक है, और क्लॉक टाइम हमें कैसे पता चलता है, हमें किससे पता चलता है, क्लॉक से। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है। तो शॉर्ट हैंड क्या बताता है हमें, शॉर्ट हैंड हमें बताता है कि कितने घंटे हो गए हैं। ये जो लॉन्ग हैंड होता है ये बताता है हमें मिनट्स कितनी हो गई हैं। ओके, जैसे इसमें देखिए, शॉर्ट हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पर। लॉन्ग हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 12 पे, है ना? तो इसमें टाइम कितना हो गया, 2 o'clock। ठीक है, और जो लॉन्ग हैंड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। रायस एंड हरजीत आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे डू ड्यूरिंग द डे। रईस और हरजीत क्या बात कर रहे हैं कि वो पूरा दिन क्या करते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, फिल इन द टाइम एट विच रईस डज दिस थिंग्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टाइम बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, आई गेट अप एट डैश। तो जो छोटी वाली शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पॉइंट कर रही है, 7 पे, और बड़ी कहाँ कर रही है, लॉन्ग हैंड, 12 पे। तो कितना टाइम, वो कितने बजे उठता है, 7। ओके ओके, ठीक है। आई गो टू स्कूल एट, वो कितने बजे जाता है स्कूल, अभी देखते हैं। शॉर्ट हैंड कहाँ पॉइंट कर रही है, 9 पे। लॉन्ग हैंड कहाँ कर रही है, 12 पे। तो कितना टाइम हो गया, 9 o'clock। ओके, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट, तो ये कितने बजे आता है, इसमें हमें ये बताना है। तो देखो बेटा, शॉर्ट हैंड क्या बताता है, आवर्स, और लॉन्ग हैंड क्या बताता है, मिनट्स, है ना? तो शॉर्ट हैंड कहाँ है, 4 पे पॉइंट कर रहा है, और लॉन्ग हैंड 12 पे। तो पूरा 4 o'clock हो गया, है ना? आई स्लीप एट, कितने बजे सोता हूँ, तो ये शॉर्ट हैंड 9 पे है और लॉन्ग हैंड है 12 पे। तो कितने बजे सोता है, 9। ओके, नाउ सेकेंड, ड्रो द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम एट विच हरजीत डज दिस थिंग्स। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, हरजीत कितने बजे करता है ये चीज़ें। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो वो कितने बजे करता है ब्रेकफास्ट, सुबह 8 बजे। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड हम 8 पे करेंगे और लॉन्ग हैंड हम कहाँ करेंगे, 12 पे। ठीक है, 8 o'clock हो गया। I have lunch at 1 o'clock. तो कितने बजे करता है लंच, 1 o'clock. तो शॉर्ट हैंड हम पॉइंट करेंगे 1 पर। दोपहर को 1 बजे वो लंच करता है। ओके, ठीक है। I go to play at 5 o'clock. ठीक है, कितने बजे जाता है वो खेलने, 5 o'clock. तो हम शॉर्ट हैंड क्या करेंगे, 5 पर, और लॉन्ग हैंड क्या करेंगे, 12 पर।
दिस इज शॉर्ट हैंड. ओके. I have dinner at 8 o'clock. तो वो कितने बजे डिनर करता है? 8 o'clock. तो हम शॉर्ट हैंड को 8 की तरह पॉइंट करेंगे और लॉन्ग हैंड को 12 की तरह. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर डैश डेज इन अ वीक. कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7. दे आर डैश मंथ इन अ ईयर. तो कितने मंथ होते हैं? 12. डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे. तो फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे. डैश कम्स आफ्टर सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर के बाद क्या आता है? अक्टूबर. ठीक है बच्चा, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. ओके. तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आए तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी आपको. ओके.